जोहार नमस्कार, मैं हूं सत्य कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड न्यूज 24x7। और आज हमारा जो मेहमान है विजय महतो जी, जो रिटायरमेंट SI रह चुके हैं, पहले SI रह चुके हैं और अभी हम लोग इनके घर में बैठे हुए हैं। तो जोहार हमारे चैनल में आपको विजय जी। चलिए, आपके चैनल को जोहार और साथ साथ आपके दर्शक लोगों को भी जोहार मेरे तरफ से। आप रहेगा आपका पंचायत का भी हम भ्रमण कुछ दिन पहले किए थे। लोगों का कहना था कि आम सभा जो और जनता दरबार जो लगाया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, चाहे विधायक हो, BDO, CEO हो, जो दरबार में लगाया होता कुछ हो नहीं है। बाकी अगर योजना भी आपको लेना है तो आपको घूस देना होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो ये सब खाली कागजी प्रक्रिया होता है, सब कागज फेंक दिया जाता है। देखिए अब क्या कहें इस पर, ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे इतना बहुत बोलते हैं। देखिए, सरकार आपके द्वारा भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, अभी चल भी रहा है, 15 तारीख तक है भी। सरकार आपके द्वार मतलब क्या हुआ? आप सरकार आपके द्वार अभी आपका इस सरकार में हमको लगता है तीसरा या चौथा फेज चल रहा है। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल एक साल होता ही होता है। सरकार आपके द्वार मतलब है कि सरकार आपके द्वार पर आ गई है और आपका समस्या वहीं पर हो जाना है 11 बजे से 3 बजे के अंदर। जो भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है वहीं आपको हो जाना है। हर तरह का विभागीय लोग रहेंगे उसमें, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, वन से संबंधित जितने विभाग, नियम वही कहता है। सरकार देखिए, सरकार की ये मंशा है कि सरकार आपके द्वार चला गया, लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट लोग किस तरह से कर रहे हैं ये तो जानना होगा। सरकार तो कह रही है, मान लीजिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो तो प्लान बना दी कि सरकार आपके द्वार है भाई, आप अपना समस्या है। लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट जो हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसका कौन चेजअप कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है, ये भी तो जानने का चीज है। सरकार आपके द्वार दैट मीन्स आज यदि राशन कार्ड में कोई नाम गड़बड़ है, यदि गलती है तो उसको यदि सुधारना है तो उसको यहाँ ऑनलाइन में अप्लाई हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए और तुरंत हो जाना चाहिए। और जब फाइनली ये तो DSO यहाँ से होता है, लेकिन ब्लॉक से इसको यहाँ से तो उसको फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड हो जाना चाहिए है? किसी तरह का आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तो आधार कार्ड भी यही सुधार हो जाना चाहिए उसको, है ना। किसी को जमीन का रसीद कटवाना है तो वो जमीन का रसीद भी यदि प्रॉब्लम है उस तो उसको यही रसीद कट जानी चाहिए, है ना। अब रसीद की बात आ गई तो अभी हम बता रहे हैं, यही पंचायत का आरडी का हमारा ये मुद्दा है। अब हम यहाँ आरडी की लोगों ने वो हमारे पूर्व मंत्री को जो अब दिवंगत हो गए, अब जो उनके जगन्नाथ महतो जी को, हाँ, उनको लोग बहुत प्रयास किया। आरडी का पूरा सर्वे खतियान आपको रेकर्ड रूम उपलब्ध है। ये बहुत मेजर बीमारी, आपको ये बता, यदि आप आ गए ही चैनल के माध्यम से तो हम बता देना। आरडी का सर्वे खतियान जो है रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है और जब ऑनलाइन जब होने लगा तो ऑनलाइन जब हो रहा था तो ऑनलाइन में आरडी का ग्राम रेवेन्यू विलेज का ऑनलाइन हुआ ही नहीं, रजिस्टर टू कर दिए, अब खतियान नहीं किए। क्यों भाई खतियान काहे नहीं किए? अब खतियान ऑनलाइन नहीं है जिसके कारण जो है सो लोगों का अभी रसीद नहीं कट रहा है। यदि कोई रसीद कटाने चाहता है, किसी को बैंक में देना है तो कहीं, किसी को अभी आय आवासी चाहे सोलर के लिए अप्लाई किया, चाहे लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक वाला चाहे किसी भी जगह में भैया बोलता है आप खतियान लाया तो रसीद दो, रसीद लोगों का कट नहीं रहा है। तो कट नहीं रहा है तो ये सिस्टम है कि यदि खतियान अपलोड यदि ऑनलाइन नहीं रहेगा तो रसीद कटने का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। और रसीद नहीं कट रहा है तो काहे नहीं कट रहा है, तो खतियान अपलोड नहीं, तो खतियान फिर क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? बीच में एक साल या 1.5 साल हमको हुआ लगता है, पहले भी लोगों यहाँ ग्रामीण लोगों ने जो है सो ब्लॉक व्लॉक में जो है सो प्रयास किया था तो CEO ने कैंप लगा करके, यहाँ सुनते हैं पंचायत भवन में कैंप लगाया था जैसा हमको सूचना मिली है। लोग बोले कि सब खतियान मांग रहे हैं, होगा आप लोग, अरे खतियान मांग रहे हैं कैंप, आप किस खतियान क्यों मांग रहे हैं? खतियान मांगा तब जाएगा जब आपके यहाँ खतियान नहीं है। जब खतियान आपके रिकॉर्ड रूम में 100% उपलब्ध है तो खतियान आदमी से मांग रहे हैं, तो इस खतियान क्यों मांग रहे हैं? जो आप मांग रहा है लोग, अब
पीछा दरवाजा जानते हैं उसको हम आप चैनल में नहीं कहना चाहते हैं, डायरेक्ट हम उस चीज नहीं चाहना, ये तो समझने के अंडरस्टूड है। आप सिंगल खतियान मांग रहे हैं, जो आदमी देगा पीछे दरवाजे से आप आइए तो आपका हम ऑनलाइन चढ़ा देंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये होना चाहिए यहाँ का अंचल अधिकारी को कि कम से कम ये रिपोर्ट जिला को लिख दे, लिखना चाहिए कि इस गांव का मान लीजिए खतियान उपलब्ध है रेकर्ड रूम में, तो वहां से सरकार में जाता, सरकार तरफ से आदेश आता तो एनआईसी की ओर से जो है सो उसको उसको ऑनलाइन जो है सो ज्वाइंटली जो है सो जिला स्तर से इसको ऑनलाइन हो जाता। लेकिन इसके लिए जो है सो कोई प्रयास नहीं कर रहा, ना कोई सुनने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करते हैं, तो आप एक भी चीज बता दीजिए सरकार का आपके द्वार में, आप पूछिए कि कितना रिकॉर्ड मैंने कितना आवेदन पड़ा कितना, तो लोग सरकार को रिपोर्ट कर देते हैं कि 2000-3000 प्रोग्रेसिव की इतना इतना आवेदन, मान लीजिए सपोज 2000 पिटिशन पड़ा आवेदन, तो सरकार तरफ से तुरंत ऑनलाइन मांगा, सरकार तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कार्यशैली में दिक्कत है। सरकार कहती है तुरंत इमीडिएट रिपोर्ट दो भाई, कितना पिटिशन पड़ा और कितना आपने डिस्पोज किया है ना, लेकिन यहाँ लोग डिस्पोज कर देते हैं कि इतना या इतना डिस्पोज, डिस्पोज दैट मीन्स होता है यस और नो, किसी में डिस्पोज काम, डिस्पोज मतलब उसको ये नहीं है कि उसका काम कर दिए, तो उसमें हमको लगता है 99 जो है उसमें डिस्पोज होता है नेगेटिव, 1% यदि किसी का हो गया तो स्वीकृत हुआ, बाकी 90 तो वही डिस्पोज हो गया, आवेदन प्राप्त हुए इतना डिस्पोज ये इतना, यही तो है। अब इसको हम लोग कितना पर्दाफाश करेंगे। चलिए, बातें तो बहुत है, समस्याएं भी बहुत हैं, और समस्याओं को अगर देखा जाए तो मतलब जो है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से ही सारा कुछ हैंडल होता है। तो हम इस विधानसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि आप लोग अपना क्या राय रखते हैं, और आपके आप बहुत से लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, क्या चर्चा परिचर्चा होती है, तो इस विधानसभा चुनाव में 2024 में मैंने क्या लग रहा है, मैंने राज्य वासियों को आप लोग आपके मतलब आपका जो देखेंगे जो चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उन सबों का आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बार मैंने जनता मैंने किसके तरफ झुकाव अपना करेगी आपके मैंने बेहतर आपको लग रहा है, और उनके आने से बाकी बहुत सारे चीज़ों में बदलाव होगी और काम बेहतर होगा, आप किस पार्टी पर अपना भरोसा जता रहे हैं? देखिए, हम पार्टी का भरोसा जता तो नहीं रहे हैं किस पार्टी में, लेकिन यह कहना चाह रहे हैं कि समय जो है अभी जनता जो है चेंजेज चाह रही है, जनता का विचार परिवर्तन का है। अब इस परिवर्तन में लोग कितना उसमें चीनी डाल के या गुड़ डाल के लोगों को कितना शरबत पिला लेंगे, लोग कितने लोगों को शरबत पिला के अपने तरफ करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अधिकांश जनता जो है चाह रही है परिवर्तन, कि अब परिवर्तन होना चाहिए, अब कोई पार्टी विशेष की बात नहीं, लोग चेंजेज चाह रहे हैं, और चेंजेज में आप समझ रहे हैं क्या चेंजेज होना है ना। तो अभी जो स्थितियां बनी है, हर एक जनता से आप लीजिए, लोगों को हर एक अंदर से आप सिर्फ पेंशन और ये दे देने से कहीं कुछ होता नहीं, जो जो सोशल एक्टिविटी है, जो सामाजिक चेंजेज जो होना चाहिए वो सामाजिक परिवर्तन हुआ नहीं है, और कार्यशैली में भी परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं है। अभी जैसे आप डुमरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अभी इस विधानसभा में अभी मैंने हमको लग रहा है कि कौन सा पार्टी को आप मजबूत देख रहे हैं, और कौन सा पार्टी अगर सत्ता में आती है या फिर राज्य में अपना सरकार बनाती है तो जिनसे आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए और झारखंड के लिए बेहतर होगा, आप किनको देख रहे हैं बेहतर मजबूत स्थिति में? देखिए, जहाँ तक डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात है, हम लोगों ने यहाँ कुछ अध्ययन किया है, यहाँ धन बल और जन बल है, कुछ लोग हैं जो धन बल के माध्यम से अपना सीट को अपनाना चाहते हैं, और एक जन बल भी है। अभी वर्तमान परिवेश में अभी जो स्थितियां जो आई है, अभी आप गिरिडीह लोकसभा का भी चुनाव अब निर्वाचन देखे होंगे, टाइगर जयराम महतो आज जो है सो अभी वर्तमान में
जो पार्टी निबंधित हुई है, जो JLKM के नाम से अभी जानी जाती है, और उनका लोग कहते थे कि ये जो है सो बच्चों की पार्टी है, सिर्फ बच्चे हैं, इनके वोट वोट है ही नहीं। लेकिन अचानक जो है सो ये 3,47,000 समथिंग वोट जो लाए, मैंने इनके द्वारा लाया गया, ये अप्रत्याशित वोट आया है ना, लोगों को यह समझ में नहीं आया कि इतना वोट इनको आ सकता है। इसलिए अभी खासकर डुमरी विधानसभा में हम देख रहे हैं कि डुमरी विधानसभा में अभी जो JLKM है, टाइगर जयराम महतो, जो जनबल, जो जनता निर्वाचन लड़ेगी, यहाँ तो नेता निर्वाचन नहीं लड़ेगा, तो यहाँ जनता ही निर्वाचन लड़ती है। तो हम अभी वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं कि उनका जो है सो एक हवा अच्छा बना हुआ है, यदि उनकी पकड़ ज्यादा है, और यदि वो डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यदि चुनाव लड़ेंगे तो उनका तो हम जीत सुनिश्चित समझते हैं, टाइगर जयराम जी का, टाइगर जयराम जी का। और बाकी जो दल है अभी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आप डुमरी विधानसभा में क्या क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब जो काम होना चाहिए उस क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं है, और जबकि यहाँ 20 से 25 साल JMM का विधायक रहा है और अभी वर्तमान में भी JMM का ही विधायिका है। तो अभी हमारे डुमरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं स्वास्थ्य सिस्टम कहीं बढ़िया नहीं है, शिक्षा का स्तर बढ़िया नहीं है, तो इसका मैंने आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, मैंने 20 साल से क्या किया मैंने विधायक में रह के? देखिए, खासकर डुमरी विधानसभा के लिए हम अलग से किन्हीं को शिकायत करना ये अच्छा नहीं समझते हैं, पूरे झारखंड का स्थिति है, हम डुमरी की और भी विधानसभा में जिस हिसाब से आपका हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और सोशल जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जितना बिगड़ चुका है, जितना नैतिक पतन हो चुका है, ये मैंने कहा नहीं जा सकता, और इसका सुधार जो है सो कहीं हुआ नहीं है। और खासकर आप डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि विकास नहीं हो, विकास यदि हो ही जाएगा तो फिर नेता को खोजेंगे काहे ले, माने नेता यही चाह रहा है कि हम विकास नहीं करें, विकास नहीं करें। अभी आप कहीं भी घूम के चल जाइए, कोई भी स्कूल में जाइए, जितना शिक्षक होना चाहिए वहाँ शिक्षक नहीं है। अब डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात सोचिए कि एक बढ़िया सा यदि इस जगह पर आप हर विधानसभा में जाइएगा तो आपको यहाँ BEd जो है सो कम से कम कॉलेज मिलेगा, BEd कॉलेज मिलेगा, ITI मिलेगा, पॉलिटेक्निक मिलेगा, लेकिन आप डुमरी देखिए कहीं कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे कॉलेज है, मैंने ITI कॉलेज बना है, लेकिन उसमें मास्टर नहीं, बंद है, बन के रेडी है। और उसके बाद में और एक चीज़ जैसे हम आपसे कहना चाहेंगे, अभी जो वर्तमान में जो हमारे मैंने भावी विधायक के रूप में अपना प्रचार प्रसार कर रहे राजू महतो जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्कूल में एक बयान दिए थे कि पूरा झारखंड में नावाडीह का शिक्षा बेहतर, सबसे बेहतर, मैंने अच्छा है। तो आप इस चीज़ को कितना मैंने % मानते हैं कि नावाडीह का पूरा झारखंड में सबसे बेहतर है? नहीं नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, हम किसी की शिकायत भी नहीं। आप देखिए, हर राजनीति जो राजनीति करते हैं वो अपनी बात तो जो दही बेचता है ना, अपना दही को कभी खट्टा नहीं बोलते हैं। तो वो जान कहाँ क्या विकास है शिक्षा का मामले में, यदि वही सही रहता, आज हम एग्जांपल बता रहे हैं, नावाडीह हाई स्कूल का आप चले जाइए, भूषण हाई स्कूल, और आप यदि बच्चे निकलते हैं, बच्ची बच्चियां निकलती हैं, देखिएगा इतनी कतार से बच्चियां निकलते हैं, उन लोग को पूछिए कि हाई स्कूल के अंदर पानी पीने की व्यवस्था है? लोग घर से एक बोतल में पानी लेके जाते हैं। हमने यहाँ बहुत लोगों को बोला कि भैया आप जो है सो इसका बात आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं, कितने यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, लोगों को हमने कहा कि आज तो आप लोग इतना दिन से अभी तक कोई प्रयास नहीं किए कि हाई स्कूल में थोड़ा सा पीने का, तो नहीं वहाँ बोरिंग सक्सेस नहीं। अरे भैया, बोरिंग सक्सेस यदि अंदर नहीं होता है तो बाहर से भी बोरिंग करके अंडरग्राउंड लिया जा सकता है, ये आप सच्चाई पता लगा सकते हैं। आपको यदि आप इस चैनल के माध्यम से वहाँ के प्रिंसिपल से भी आप जो है सो इसका इंटरव्यू आप ले सकते हैं कि पीने का पानी जो है सो आपके यहाँ कैसा है। तो शिक्षा एक अभी जितना जिस हिसाब से बच्चों का कैरेज अभी बढ़ा है,
उस हिसाब से अभी शिक्षण संस्थान अभी यहाँ और हाई स्कूल कॉलेज की और जरूरत है। अभी एक गर्ल्स हाई स्कूल है और एक वो भूषण हाई स्कूल बॉयज के लिए, तो ये अभी इतनी गैदरिंग है कि अच्छे से एजुकेशन वहाँ नहीं लिया जा रहा है। तो फिर वो कैसे बोल दिया कि नावाडी का शिक्षा बेहतर सबसे बढ़िया है हमारे पूरे झारखंड में? अगर होता तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम हमारा एक थाना प्रभारी होना चाहिए, BDO CEO होना चाहिए, अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से नावाडी प्रखंड के कितने लोग मतलब फेस कर पाते हैं, कितने लोग निकाल पाते हैं, तो कुछ आंकड़ा मतलब है ही नहीं। तो इस चीज़ को मैंने क्या ऐसा करना चाहिए यहाँ पे जो स्थानीय हमारा जो भी विधायक है वो सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा लोगों को बोलते हैं, तो क्या क्या सुधार करने की जरूरत है जो एट ए टाइम होना चाहिए जिनसे हमारा नावाडी प्रखंड नहीं पूरा डुमरी विधानसभा में सुधार होना चाहिए? कुछ दिन पहले हाल ही में एक वहाँ एक हॉस्पिटल है, एक महिला थी आपका चिरूडी की, उसका मतलब जो है डिलीवरी पेशेंट था, उसका डिलीवरी का इलाज बढ़िया से नहीं हुआ। स्वास्थ्य सिस्टम को भी हम लोग देख रहे हैं कि बेहतर नहीं है, और करोड़ों का अस्पताल बना हुआ है लेकिन उसमें इलाज नहीं हुआ, बच्चा भी मर गया, उसका माँ भी मर गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब हम बार बार ये बात हम बोल रहे हैं कि हम कभी किन्हीं के कार्यशैली पर शिकायत नहीं, कोई भी किन्हीं के हम शिकायत करना पसंद नहीं करते हैं। हम आपको यही बात बोल रहे हैं, जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, चाहे जो भी स्कूल है, जो भी हमारे पास हॉस्पिटल है स्वास्थ्य सेवा के लिए, चाहे जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे ब्लॉक है, BDO है, CEO है, जो भी कार्यालय हैं, आप उनके कार्यशैली में ही व्यवहार में परिवर्तन ला दीजिए तो यहाँ जनता खुश हो जाएगी। आप उसी अभी आप एक आय आवासी बनाने जाइए तो अब क्या लगता है, वो तो हम इस आपके चैनल में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप एग्जांपल में यदि आप नावाडी से बिलोंग करते हैं तो आप किन्हीं का अपने घर का चाहे किसी का आप एक आय जाति आवासीय को बनाने के लिए आप जाइए, देखिए कि उसका क्या प्रोसेस है और क्या परेशानी होगी आपको। मेरा यही कहना है कि आप जैसे डुमरी विधानसभा है और आपका डुमरी प्रखंड होता है, आपका नावाडी प्रखंड है, चंद्रपुरा प्रखंड है, जो भी हमारे इस संस्थान में जो भी सरकारी विभाग के कर्मी हैं, अधिकारी हों, कर्मी हों, तो हम तो नेतृत्व वर्ग से यही चाहते हैं कि उनके कार्यशैली में आप परिवर्तन ला दें और एक ईमानदारी पूर्वक आप अगला जो आदमी सामने खड़ा है उसकी प्रॉब्लम को वो समझें और ये चेंजेज करा दें, बस वही काफी है। अलग से हम और कोई मांग नहीं करते हैं और नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो भी आपके पास संसाधन है, अलग से संसाधन जल्दी कोई उपलब्ध नहीं करा सकता है, ना उनका बस का भी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल से कहीं कुछ कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन जो संसाधन आज के डेट में आपके पास उपलब्ध है उसी को अच्छे तरीके से और ईमानदारी पूर्वक और उसको कार्यशैली में चेंजेज करते हुए उसको आप इम्प्लीमेंट करा दें, बस उसी में जनता यहाँ खुश हो जाएगी। अभी आप हम अभी भी शिकायत अब नहीं कर, हमारे गांव में अभी 2-4 आदमी हमारे पास आ रहे हैं कि भैया क्या करें, अबुआ आवास आप हमको रास्ता बताई, रोज बोल रहा है लोग, हम बोले अब जो तुम लोग करना है हम किस भी बात क्या करेंगे। अबुआ आवास जो हमारे पंचायत में जो मिला है लोगों को आम सभा में पास हुआ किसी के नाम से, और फिर अबुआ आवास को जो यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि है मिलजुल उसके अबुआ आवास को बेचने का काम कर रहा है, उस आम सभा में जो पारित हुआ नाम को चेंज करके दूसरे के नाम से जो सो उन लोग बनाने का उसके नाम से सेंशन करने का उन लोग काम कर रहा है। लोग हर जगह बोले जो सिस्टम है सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दीजिए भाई, है और उसमें सिस्टम कोई इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वही हमारा चेंजेज होगा, उसी में जनता खुश रहेगी। नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे आप अबुआ आवास को लेकर के बात किए हैं, हम कुछ दिन पहले पूरा विभिन्न गांवों में हम जा रहे थे और ये मैंने दौरा कर रहे थे कि देख रहे थे गांव में क्या क्या समस्या है, तो हमारे जितने भी पंचायत लेवल के जनप्रतिनिधि हैं वो अबुआ आवास में भी लोगों से जबरन पैसा ले रहे हैं, 20,000-30,000 रुपये करके पैसा ले रहे हैं कि आप पैसा दीजिएगा तो आपको आवास देंगे नहीं तो नहीं देंगे। और इसके इसमें मतलब जो है कि उसके ऊपर में एक सीढ़ी लगा हुआ है, रोजगार सेवक है, BDO है, उसके बाद में अगर इनके अलावा विधायक भी उनको कोऑपरेट कर रहा है हमारा जो एथी है कि नहीं उनका, और मतलब ज्यादातर देख रहे हैं कि मैंने विधायक का कैडर है मुखिया जी और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार भी काम हो रहा है, वो अगर उनके पास में गया नहीं मुखिया जी फल्ला हमको मैंने नहीं दे रहा है, कॉलोनी नहीं दे रहा है, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए,
और इस तरह से लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और गलत क्या कर रहे हैं, आप चेयर में हैं तो चेयर का फायदा उठा रहे हैं, और कोई बात नहीं है इसमें। आप यदि पावर में हैं, यदि कोई पावर में है, आप यदि, हम एग्जांपल देते हैं, आप डॉक्टर हैं तो जो पेशेंट है उसको जो दवा देना है वही दवा दीजिएगा कि दूसरा दवा? पेशेंट तो आपके ऊपर विश्वास करता है ना भाई कि हमको जो डॉक्टर दवा देंगे उसमें हम ठीक हो जाएंगे। तो ये आप हैवानियत का आप प्रयोग करते हुए जो दवा देना चाहिए वो ना दे के दूसरा दवा दे रहे, तो ये सारे जो योजनाएं हैं, तो योजनाएं हैं यदि मिलजुल करके यदि चाहेंगे चेंजेज करना, ये करना चाहें तो अपना चेयर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब चेयर का दुरुपयोग कर रहे हैं उसमें अब कौन कौन से लोग हैं, क्या है उसका, तो भाई हम लोग पास तो जो है सो कोई उसका इलाज नहीं है। इसलिए वर्तमान में आज जो भी चीज, जो अभी उलगुलान जो आया आज के डेट में, अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीच में जयराम महतो की जो पार्टी आई JLKM, लोगों को एक कांटा लग रहा है, तो उनको तो अब यदि आप ये जो भी धरातल में यदि काम होता तो टाइगर जयराम महतो का उदय नहीं होता, नहीं उनका जन्म नहीं होता, जन्म ही नहीं होता, सरकार का तो गलत नीति के कारण उसका जन्म हुआ है। आप यदि इस जगह पर हैं तो कुछ तो काम कीजिए जिसमें जनता को लगे कि काम हो रहा है। अब एकदम नेगेटिव हो गए हैं तो तब ने दूसरे को घुसने को मौका मिल रहा है। अब दूसरे को घुसने के लिए क्यों दिए? आप दरवाजा बंद करके रखेंगे तो कोई आदमी, कुत्ता बिल्ली चाहे कोई आदमी जानवर उसमें नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा खोल दिए, खुला रखिएगा तब ने कोई घुसेगा। तो वही राजनीतिक है, राजनीतिक में जो है सो आप अपना जगह दे दिए तब तीसरा फ्रंट आपके पास उदय हो गया और आप लोग को जो है सो थोड़ा परेशानी हो रही है। ये सब चीज तो समझना है। तो मेरा कहना मतलब है कि जो सरकारी विभाग है, जो चाहे सरकारी जो भी चीज है, जो योजना है, चाहे किसी तरह का भी काज है, तो थोड़ा सा तनी सिस्टम से काम होना चाहिए, और अगला सामने जो खड़ा है उसको भी एक मानव के मानव समझिए कि वो आदमी है, उसको आप जानवर नहीं समझिए। अब हम कहीं भी चल जाइए तो लोग जानवर समझता है, उसको कोई वजन नहीं देता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है कि कौन आदमी आया, हमको उससे कैसे कहीं। आप जब प्राइवेट संस्थान में जाइए देखिए, आपका आइए भाई देखिए बैठाइए कितना अच्छा बैठाएगा, क्या है ये है वो, तुरंत आपका जो है सो रेस्पॉन्स करता है और उसका रिजल्ट देगा। और सरकारी कार्यालय में जाए घुसते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और यदि कोई योजना भी आया चाहे कुछ काम आया तो भाई सब लोग अपने में सोचते हैं कि इसको कैसे जो है सो हिसाब किया जाए, कुछ जमीनी में काम होना चाहिए। यही मेरा जो है सो एक अनुभव बताता है कि ऐसे जैसे ये कितना दिन आप कर सकते हैं इस तरह का। कभी कभी एक दिन तो आदमी तो विरोध करेगा ही, लोगों का विचार तो आएगा ही कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, कितना दिन चुपचाप। तो आज हमारा ये जो सवाल है, पहला सवाल है विजय जी, अभी हम लोग झारखंड में एक बहुत ही एक गर्म मुद्दा हम लोग देख रहे हैं, जो उत्पात सिपाही का जो दौड़ चल रहा है युवाओं को, उनमें से लगभग कम से कम 12 लड़का जो है अपना जान दे दिया है नौकरी पाने के लिए। तो ये जो नियम जो सरकार लेके आई लास्ट लास्ट में, और जो युवाओं के साथ में जो मतलब जो ऐसा हो रहा है, आप इसमें मतलब क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को मैंने इसी तरह से मैंने शोषण होते रहेगा नौकरी को लेकर के? नौकरी में देख रहे हैं कि हमेशा मतलब जो है कि वैकेंसी निकलता है और सब सीट सेटिंग हो जाता है, नेता मंत्री अपना अपना जो है सेटिंग करके भेज देते हैं, और हमको लगता है इसमें भी उसी तरह को सुनने को मिल रहा है, लेकिन जो मर गया उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, आप इस पर क्या कहना चाहते? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये जो नियुक्तियां निकली हैं और जो मापदंड बनाया गया है वो कहीं न कहीं इसमें दोहरी नीति लागू की गई है, और इस तरह से जो मापदंड बनाया गया है और ताकि लोग यह मतलब सोचें कि हम जो है उसमें सक्सेस नहीं कर पाए, और इसमें कहीं कहीं ना कहीं जो है सो अपना स्वार्थ का सिद्धि कर सकें। अब सरकार है तो सरकार का तो हम सीधी विरोध तो नहीं कर सकेंगे, वो हम उस लायक नहीं है, लेकिन मुझे जो अनुभव जो हो रहा है या हम आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि झारखंड के प्रति जो यहाँ जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं,
जो किसी न किसी तरह की जो भी नियुक्तियां निकलती हैं उस काफी उत्साहित होकर के अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो। और इस दरमियान अभी जो देखने को मिल रहा है कि इस जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिनकी मौतें हुई हैं, अब मौत तो हो गई लेकिन इसके पीछे भी सरकार का कहीं कोई जो है सो उसका कोई रूल रेगुलेशन नियम जो है सो कभी निकल नहीं रहा है ताकि उसके परिवार को किसी तरह सहायता मिले। तो हम तो इस चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि उसके लिए एक ठोस कम से कम मापदंड निकाला जाए और बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा लचीला जो है सो थोड़ा सा अपनाया जाए। और अभी जो परिवार के जो नौजवान जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, उनके परिवार को कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इस ऐसे भी सामान्य तौर तरीके से जो आपदा से यदि मौत होती है, सरकार का जो है सो ये गाइडलाइन है जो मुझे मालूम है एट ए टाइम उसको 4 लाख रुपया दिया जाता है आपदा से, तो एक आपका ये जो भी ये रेस है दौड़ है इस माध्यम से यदि किसी की मौत होती है तो इसके लिए भी जैसे उनके परिवार को सहायता अनुदान भी जो है सो अवश्य देना चाहिए। चलिए, और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी देखिए चुनावी माहौल चल रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा हम चाहेंगे कि कुछ कुछ आप अपना अनुभव मतलब शेयर करिए। आप डुमरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं तो इस डुमरी विधानसभा में इस बार आप लोगों को क्या लगता है सरकार के जो नीति चल रहा है उसका जो उसके अनुसार अभी जो गाँव गाँव में देख रहे हैं मैया सम्मान योजना चल रहा है, अगर ये योजना सरकार को लाना ही था तो सरकार बैठने के बाद में ही देता यहाँ के लोगों के लिए, ये लास्ट में ये नियम क्यों लाई? देखिए यह तो जनता भी सब समझ रही है और हर अभी देखिए यह तो साफ है कि 5 साल के लिए सरकार बनती है और लास्ट समय जब चुनाव आता है उसी समय ही राजनीतिक पार्टियां अपना कुछ एजेंडा अपना कुछ घोषणा करके जो है सो अपने पक्ष में मत कर लो भावना लेने के लिए ही काज करती है। अब इस अभी जो है इलाज समय 6 महीना बचा नहीं है, अभी मैया योजना अभी दिया जा रहा है तो और कुछ लुभावने अभी वो था 21 साल से 25 साल अभी पहले सर्कुलर में था, अब अभी तुरंत अभी सुनने में आया है कि नहीं वो 21 साल को अब 18 साल कर दिया गया। तो सरकार तो कुछ न कुछ जो है सो अपने पक्ष में मत लाने के लिए अपने पक्ष में वोट लाने के लिए कैसे हमारे पक्ष में लोग आए, लेकिन ये जो नीतियाँ हैं ये नीतियाँ परमानेंट नीतियाँ नहीं है, अस्थाई नीतियाँ नहीं है। सरकार को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उसके परिवार में एक अस्थाई रूप से कुछ रोजी रोजगार का संसाधन हो, कुछ परमानेंट जो है सो आय का संसाधन स्रोत हो। ये मैया योजना पर महीना 1,000 रुपया दे करके उसके परिवार का, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसके परिवार चलने का कोई आय का स्रोत होगा ऐसा हम नहीं मानते।